नमस्कार, आज के समसामयिकी में आपका स्वागत है। आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देश दुनिया में घटित होने वाले महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज के द्वारा जारी ताजा अनुमान के अनुसार भारत के चालू वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी विकास दर शून्य रह सकती है। साथ ही वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.6% तक रहने का अनुमान लगाया है। देश में मिजोरम राज्य कोविड-19 फ्री हो गया है। 9 मई को एक संक्रमित मरीज को ठीक होने के बाद अब राज्य में कोई संक्रमित मरीज नहीं है। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वहीं केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कोरोना वायरस का कोई मामला नहीं है। ईरान अपनी मुद्रा रियाल से तोमन में बदलने जा रहा है। ईरानी सांसदों ने परिवर्तन के लिए ईरान के मौद्रिक और बैंकिंग अधिनियम में संशोधन की मंजूरी देने के लिए मतदान किया है। संशोधन बिल ईरान की मुद्रा से 4-0 काट देगा। 1 तोमन 10,000 रियाल के बराबर है। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण यह कदम रियाल के मूल्य में भारी गिरावट का कारण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसी ने चेचक के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। यह डाक टिकट संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मूल के एक अधिकारी अतुल खरे के प्रयासों से जारी हो पाया है। यह डाक टिकट चेचक से लड़ने में वैश्विक एकजुटता की एक पहचान है और एक साथ काम करने वाले लाखों लोगों को सम्मान करता है। मई 1980 में 33वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने अपनी आधिकारिक घोषणा जारी कर कहा था कि विश्व के सभी लोग चेचक से मुक्ति पा ली है। स्वास्थ्य संबंधी तैयारियों को बेहतर बनाने के लिए भारत और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने $50 करोड़ की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत के साथ इस बैंक का पहला समझौता है। तो यह था अब तक की अद्यतन जानकारी। अब बारी है इस विषय से आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों की। तो इस विषय से निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 1, हाल ही में किस रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का जीडीपी विकास दर शून्य रहने का अनुमान लगाया है? सही उत्तर है मूडीज। प्रश्न संख्या 2, अरुणाचल प्रदेश, गोवा तथा मणिपुर के बाद कौन सा राज्य हाल ही में कोविड-19 फ्री हो गया है? सही उत्तर है मिजोरम। प्रश्न संख्या 3, ईरान के नए मुद्रा का नाम क्या है? सही उत्तर है तोमन। प्रश्न संख्या 4, किस बीमारी के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? सही उत्तर है चेचक। प्रश्न संख्या 5, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अर्थात AIIB का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर है बीजिंग, चाइना। तो इसी के साथ समसामयिकी का यह कार्यक्रम समाप्त होता है। धन्यवाद।